वाहेगुरु जी का। पहले सबसे पहले वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सभी दर्शकों को हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। सॉन्ग एक्चुअली हमारा सत श्री अकाल हमारा शब्द है, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है, 10वें अवतारा। और हम फिल्मों के गाने तो बहुत बनाते हैं और बहुत टाइम से हम ये चाहते थे कि हम हमारी कीर्तन की एल्बम आए, तो ये हमारा पहला शब्द है जो रिलीज़ हुआ है बाबा जी की मेहर से। और 10वें अवतारा हमारे फादर जी का, सरदार गुलजार सिंह जी का शुरू से सपना था कि म्यूज़िक में हम लोग सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह आए हैं, तो फ़र्ज़ है कि अपने रिलीजन की तरफ, अपने गुरुओं की तरफ एक भेंट प्रस्तुत करें, अपना एफर्ट करें। आज के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि अपने रिलीजन के लिए हमें कुछ लड़ना है, लेकिन हमें रिलीजन को आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हमने ये एक इंस्पिरेशनल शब्द हमने रिकॉर्ड करा टी सीरीज़ के साथ, और आज टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर आया है ये वीडियो, और हमारे फेसबुक पेज पे भी, मीत ब्रदर्स फेसबुक पेज पे भी मिल सकता है, चैनल्स पर भी नज़र आएगा, टीवी पे चलेगा ये शो। और पहली बार हम लोगों ने बॉलीवुड छोड़ के, जैसे भाई ने बोला कि शब्द कीर्तन, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि यूथ जो है, जो कि थोड़ा आजकल अपने अपने कामों में बिज़ी है, सोशल मीडिया में बहुत बिज़ी हो गई है, तो थोड़ा टाइम 5 मिनट निकाल के शब्द सुन के, क्योंकि हम लोग यंग हैं और हमसे कनेक्ट करती है यूथ, तो हम चाहते हैं कि हम लोग वो रिप्रेजेंट करें यूथ को, डिवोशनल सॉन्ग्स, थोड़ा रिलीजन की तरफ झुकना जरूरी है ताकि एक बैलेंस बना रहे, बस यही है। अलग नहीं होता, हम लोग एक्चुअली बचपन से ही शब्द कीर्तन करते आए हैं, गाना तो बाद में शुरू किए, पहले बचपन में हम कीर्तन करते थे अपने घर में भी। और ये हुआ कि पहला शब्द रिलीज़ करने में हमें काफ़ी समय लग गया, क्योंकि बम्बई में आदमी को पता नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है, तो ये शुरू से हमारे अंदर था कि हमें करना है, और हमने 5 शब्द रिकॉर्ड किए हैं, तो एक एक करके वो सब हम लेके आएंगे। ये पहला है क्योंकि इतना बड़ा वाहेगुरु जी फतेह, बहुत बड़ा हमें एक मौका मिला इतने अच्छे दिन पे कि आज हमारे बाबा जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल के जन्मदिन के पूरे हो रहे थे, तो इससे पूरा हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का, पूरा सिख समाज आया हुआ है पटना साहिब में, सारे हमारे आज प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ओकेजन था। तो इसके लिए हमने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर एक शब्द है हमारी अमृतवाणी से, गुरु गोविंद होए प्रगटिया 10वें अवतारा, 10वें अवतार हैं वो, तो उन गुरु के ऊपर ये हमारा शब्द समर्पित है। और अब फिल्मों के साथ साथ हमारे ईश्वर से और वाहेगुरु जी से यही कृपा है, प्रार्थना है कि हमारे गाने और शब्द साथ साथ आते रहें। और ये जो आज पूरा ये एल्बम रिलीज़ हुआ है, ये हमारे गुरप्रीत चड्ढा जी हैं जिनके सपोर्ट से, SGPCG की प्रेसिडेंट हैं अपना ग्लोबल पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन की, तो इनके सपोर्ट से और सारे हमारे सिख भाइयों की सपोर्ट से हुआ है। वी वांट टू थैंक एवरीवन, शुक्राना करना चाहते हैं सारे। अभी शब्द चल रहा है, गुरु गोबिंद है प्रगटिया 10वें अवतारा, ओह गुरु गोबिंद है प्रगटिया 10वें अवतारा, अलख काल निरंजना जपे ओ करतारा, ओह गुरु गोबिंद है प्रगटिया 10वें अवतारा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गानों की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ शब्द की बात। आज ये अभी तक आप लोग सबसे पहले लोग हैं जिनको पता चला है, हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हम काम करने के बाद हमेशा हमें अच्छा लगता है लोगों को पता चले कि ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे कि हम लोग शब्द एल्बम हमारे लिए बॉम्बे में या कहीं भी हमारे फैमिली में भी, हमारे पेरेंट्स और फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता, तो अब इसका प्रचार शुरू होगा। आज अभी इसी वक्त लॉन्च हुआ है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, और लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारी जो अगली शब्द की एल्बम हो उसमें रणवीर सिंह जो है हमारे पंजाबी हैं, सिख हैं, तो हमारे जो कम्युनिटी के जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं हम उनको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि वो आके जुड़ें शब्दों में, अक्षय पाजी हैं, अक्षय कुमार जी, ताकि यूथ और जुड़े। मेन पर्पस ये है कि यूथ जुड़नी चाहिए थोड़ा रिलीजन की तरफ। ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है।
आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेरी एनजीओ पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से सबको गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साल में प्रकाश पूर्व की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और बहुत ही बड़ा दिन है आज हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, और उससे भी बड़ा दिन इसलिए हो गया है क्योंकि आज मेरे जो ब्रदर्स हैं, दोनों मीत ब्रदर्स, उनकी जो एल्बम यहाँ पर रिलीज़ की गई है और उन्होंने बहुत ही प्यारा शब्द गाया है बाबा जी के लिए। और हमने काफ़ी टाइम से हम ये प्लान कर रहे थे कि कुछ हम भी कम्युनिटी को पे बैक करें, बिकॉज पंजाबियों में इन्होंने काफ़ी नाम हासिल किया है। तो इसलिए मेरा दिल था कि हम सब मिलके एक टीम क्रिएट करके हम ये इनिशिएटिव लें। हमारे साथ दीपक सिंह जी भी जुड़े जिनका punjabiyat.com पोर्टल है, और हम सब ने मिलके फिर ये बाबा जी की सपोर्ट से, मिस्टर जीएस बाबा जो एसजीपीसी के मुंबई के महाराष्ट्र के मेंबर हैं, उन सबका साथ मिलने पर, दादर सिंह सभा गुरुद्वारे की तरफ से मैं उनका भी शुक्राना अदा करना चाहूँगी सबके साथ से, आज टी सीरीज के साथ से जो हमने ये यहाँ पे शब्द लॉन्च किया है, इससे यंग जनरेशन को काफ़ी मोरल बूस्टिंग मिलेगी। क्योंकि जब हम खुद मैंने जब शब्द सुना तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे, बिकॉज गुरु गोबिंद सिंह जी माने गए हैं, उन्होंने जो हमारी कौम के लिए किया है, उन्होंने जो पंडितों को कई धर्मों को बचाया था, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी ने उनके जो योगदान हमारी सिख कम्युनिटी को दिए गए हैं, मैं चाहती हूँ कि आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करे और उसको देखे। थैंक यू सो मच। हमने इसमें एक साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये जो 350 साल जो भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं उसके निमित्त हमने 350 कैंप ब्लड कैंप लगाने का संकल्प किया है, और जिसको अभी हम आगे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन तक लेके जाएंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये बहुत महान दान है, रक्तदान मानवता के नाम पे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी हैं हमारे सारे गुरु सिखों के, उन्होंने हमेशा मानवता की बात करी है, किसी किस्म का डिवाइड नहीं रखा उन्होंने, ना तो धर्म को लेके, ना जात को लेके, ना ज्योग्राफिकल, ना पॉलिटिकल, सब बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं रखी। और हम अपने आप को खुशकिस्मत मांगते हैं कि गुरु महाराज ने ये हमें सेवा दी, और हम ये मनुष्य जो उनकी एक गुरु साहब की मानस की जात सब एक ही पहचान, वो उन्होंने जो नारा दिया था मानवता का, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले सत श्री अकाल, और मेरा नाम है यश वडाली फ्रॉम वडाली फैमिली, और ये जो आज गुरुपुरब हुआ है यहाँ पे, जो बॉम्बे में फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा जो गुरुपुरब मनाया गया ग्राउंड में, मुझे बहुत ही खुशी, और मैं सबके लिए बहुत प्रे करता हूँ और सबको गुरुपुरब की बहुत 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 शुभकामनाएं, भगवान सबका भला करे, नया साल आप सबके लिए अच्छा हो, हैप्पी गुरुपुरब। सर,